प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। थाने के अंदर दरोगा की पिस्टल से चली गोली, महिला को लगी गोली, महिला गंभीर हालत में पहुंची अस्पताल। मामला अलीगढ़ के ऊपर कोट कोतवाली की मुंसियाने का है। लापरवाही के चलते दरोगा मनोज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरोगा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। इस संबंध में एसएसपी ने बताया है, दरोगा मनोज शर्मा को हमने निलंबित कर दिया है। फिलहाल दरोगा की जांच की जा रही है, मनोज शर्मा अभी भी लापता है। जिस तरीके से थाने के अंदर रिवाल्वर से गोली चली, ये अपने आप में कई सवाल को जन्म दे रही थी। हालांकि इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आइए आपको दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज और एसएसपी ने क्या कुछ कहा। पर अभी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और एक दरोगा है मनोज शर्मा, चौकी इंचार्ज भोजपुरा, इनकी पिस्टल से फायर हुआ है सीसीटीएनएस कार्यालय में और एक महिला जो पास खड़ी थी उससे घायल हुई गंभीर रूप से। अस्पताल में उनको देखा गया है, वहाँ बेस्ट इलाज उनको चिकित्सक अभी दे रहे हैं और इनके परिजनों से भी हमारी बात हुई है। बताया गया कि वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम से आई थी, वहीं कार्यालय में वो महिला के बेटे भी थे और पास में एक अन्य व्यक्ति भी था और पुलिस के भी एक कर्मी वहाँ पर मौजूद था। तो सबसे जो बात की है, गोली क्यों चली है ये कारण स्पष्ट नहीं है, इसके लिए टीम लगा दी गई है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की लीडरशिप में। और इसमें जो ये आरोपी दरोगा है इसको तत्काल रूप प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता ही है, यह एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा पुलिस परिवार भी खड़ा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की टीम उनको बचा लें। वहीं जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। नहीं, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे तुरंत आए हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पर है, इसका फुटेज भी है, पूरा फुटेज है, उसको भी सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी लिपापोती यहाँ ना हो सके। ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे एसपी ग्रामीण भी यहाँ पर लगातार अभी भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।